सबसे बड़ी बात यह कि असद अहमद ही आगे चलकर दहशत और अपराध के दम पर खड़ी की गई अतीक की सत्ता का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी बनकर सामने आया। असद अहमद माफिया अतीक अहमद का तीसरे नंबर का बेटा था। अतीक के दोनों बेटे उमर और अली जब अपने गुनाहों की वजह से अब जेल में गए तो असद ने ही अतीक की गैंग की कमान संभाली और फिर उमेश पाल हत्याकांड में वो मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आया। भले ही अतीक और अशरफ पर जेल से उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने के आरोप लगते हों, लेकिन हथियार से लेकर जो शूटर तक सब असद ने ही अरेंज किए। असद ने उमेश पाल को मारने पहुंचे गैंग को लीड भी किया और सीसीटीवी फुटेज में वो खुद गोली चलाते हुए नजर भी आया। लेकिन अब 49 दिनों के अंदर असद को यूपीएसटीएफ ने उसके अंजाम तक पहुंचा दिया और उसके गुनाहों की बैलेंस शीट क्लोज कर दी। हालांकि इस एनकाउंटर पर उमेश पाल के परिवार से लेकर बीजेपी के कई बड़े नेता खुश हैं तो एसटीएफ के एक्शन पर सवाल उठाने वालों की भी कमी नहीं है। ओवैसी इस एनकाउंटर को धार्मिक एंगल दे चुके हैं। बीएसपी चीफ मायावती इस एनकाउंटर की जांच की मांग कर रही हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे झूठा एनकाउंटर बताकर योगी सरकार पर जो कुछ कहा उसे भी इस रील में सुनिए। इस प्रकार का अपराध करने वाले को यह आज संदेश गया है कि ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, अगर यहाँ अपराध करोगे तो कोई बचा नहीं पाएगा, सजा भुगतनी पड़ेगी। जो जिस भाषा में समझता है, अगर कोई अपराधी उन पर गोली चलाता है तो गोली चलाने की छूट, मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं, निश्चित रूप से कानून का शासन है। उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर है। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख कर दिए, सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपराधियों को जन्म दिया था, इन माफियाओं को पाल पोस कर बड़ा किया था। तो एक माँ का बेटा कितना भी बड़ा अपराधी हो, यदि उसको मारा जाता है तो स्वाभाविक है उसको बुरा लगता है। केवल मिट्टी में मिलाने की बात एक सीमा तक है, भेदभाव कर रहे हैं, ये केवल चुनाव को देख रहे हैं किस तरीके से समाज को बांट दें, किस तरीके से असली मुद्दों से हटा दें। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने वही कार्य किया जिसके लिए वो संकल्प उनका था कि हम क्रिमिनल्स के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखेंगे। जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी मजाक उड़ाती थी, आज उनसे पूछा जाएगा कि आप क्यों नहीं कर पाते थे। एक क्रिमिनल के साथ सरकार क्रिमिनल बन जाता है तो उसमें न्याय का क्या स्वरूप रहेगा? फिर सरकार क्या होता है? सरकार क्रिमिनल नहीं होता है, सरकार सबके रक्षा करने वाला होता है। और अब इस खबर का नजरिया नाइन। अपराध का बीज हमेशा व्यवस्था की कमियों की वजह से ही बढ़ता है और माफिया बन जाता है, इसलिए हर माफिया अपने आप में कानून व्यवस्था पर कठिन सवाल होता है। 30 वर्षों में अतीक और उसके अपराधों के साम्राज्य का वृक्ष पूरी तरीके से फैल गया। कानून व्यवस्था के लिए एक ऐसा ही ये कठिन सवाल रहा है और अब इस सवाल का उत्तर कानून की कुल्हाड़ी दे रही है, जिसके बार से अपराध के वृक्ष की डालियां कट करके गिर रही हैं। निर्दोषों का खून बहाने वाले हर माफिया का आखिरी अंजाम यही होता है। अब देखना यह है कि अतीक का क्या होगा।